तो गाइस जैसे आप सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी सर्च कर रहे हो तो आपके पास एक सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन रहता है वो है हुंडई की वेन्यू। इससे पहले जब मारुति सुजुकी जो ब्रेजा थी वो लॉन्च नहीं हुई थी फेसलिफ्ट वाली, तब ऐसा लग रहा था कि जो वेन्यू के प्राइस है भाई काफ़ी ओवर प्राइज्ड हो गए हैं। बट जब ये ब्रेजा लॉन्च हो गई है उसके बाद इसके प्राइस कंपेयर करोगे तो उस ब्रेजा से इस वेन्यू के प्राइस आप लोगों को काफ़ी कम लगने वाले हैं। जो ब्रेजा का आप VXI वेरियंट देखते हो तो उसका प्राइस पड़ता है 10,66,000 रुपीज़ इन हरियाणा में, एंड जो इसका प्राइस पड़ता है वो 11,52,000 रुपीज़ पड़ता है। तो डिफरेंस VXI में और इस S प्लस वेरिएंट में आप लोग को 1,00,000 रुपये का मिलता है। अगर जैसे उसका ZXI वेरिएंट देखोगे, ब्रेजा का ZXI वेरिएंट देखोगे और इसका S प्लस वेरिएंट देखोगे तो जो ये गाड़ी है आप लोग को कम प्राइस में मिलेगी, एंड जो इसके अंदर फीचर्स हैं वो आप लोग को ZXI वाले ऑलमोस्ट वो मिल जाते हैं। और ऊपर से मेन बात क्या है, ये प्राइस जो मैं बता रहा हूँ इसका डीजल इंजन मैं उठा रहा हूँ और उसका उठा रखा है मैंने पेट्रोल इंजन। तो अगर दोनों का पेट्रोल इंजन उठाओगे तो भाई जो वेन्यू के प्राइस है आप लोग को जो नई ब्रेजा आई है उससे कम में मिलने वाले हैं। और जो कंफर्ट वगैरह है वो भी आप लोग को जो ये नई हुंडई की वेन्यू है इस गाड़ी के अंदर आप लोग को काफ़ी बेहतरीन लगने वाला है। ये S प्लस वेरिएंट है, डीजल अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो तो आपके पास इतने ऑप्शन नहीं बचते हैं। अगर अच्छी माइलेज के साथ अच्छे कंफर्ट के साथ गाड़ी लेना चाहते हो तो जो हुंडई की वेन्यू है यही है आपके पास। बाकी नेक्सोन और XUV300 भी आती है डीजल इंजन के साथ में। S प्लस वेरिएंट है ये, आज की वीडियो में पूरा डिटेल वॉक अराउंड इस गाड़ी का हम लोग करने वाले हैं। अगर आप हुंडई को गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं इसके की फोब से। कुछ इस तरह की इसके अंदर की मिलती है लॉक अनलॉक और इसकी टेल गेट को ओपन करने के लिए, और जो दूसरी वाली की आएगी कुछ इस तरह की इसके अंदर अवेलेबल होती है। ये जो की है फोल्डेबल इसके अंदर में आती है, फोकस करने में बड़ी दिक्कत सी आ रही है, फोल्डेबल की इसके अंदर आती है ये। और फ्रंट प्रोफाइल देख लो भाई, ठीक है, अगर पुरानी से कंपेयर करोगे तो आप लोग को ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी जो गाड़ी की बैक प्रोफाइल है वो देखने में आप लोग को काफ़ी बेहतरीन सी लगने वाली है। जैसे आप इसकी रेडिएटर ग्रिल देख रहे हो ये क्रोम फिनिश में नहीं दे रखी है, ये डार्क क्रोम के अंदर में दे रखी है। और जो हुंडई का लोगो भी जो दिया हुआ है ये भी आप लोग को डार्क क्रोम में दिया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा सा लगता है। ये गाड़ी हुंडई की अल्कज़ार, इसके अंदर देख लो कुछ इसी तरह की ही आप लोग को रेडिएटर ग्रिल अवेलेबल होती है, बट वही है थोड़ी मैसिव सी लग रही है, इसके अंदर थोड़ी सी छोटी आप लोग को लगने वाली है। इंडिकेटर्स जो हैं इसके हेलोजन बल्ब के साथ में ही मिलते हैं। नीचे आप लोग को प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिल जाती है, एंड DRLs भी जो हैं गाड़ी में अवेलेबल हो जाते हैं। बट जो कॉर्निंग लैंप है वो आप लोग को हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है जो कि येलो थ्रो में दिया गया है। गाड़ी में क्या है, आप लोग को कोई भी फॉग लाइट्स अवेलेबल नहीं होती है। ये पता नहीं भाई फॉग लाइट्स कंपनी ने इसके अंदर से रिमूव क्यों कर दी है, होती तो भाई काफ़ी ठीक रहता। पहले जो आती थी उसके अंदर फॉग लाइट रहती थी। डायमेंशंस में गाड़ी की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, लेंथ के अंदर और जो गाड़ी की चौड़ाई है उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है उसके अंदर भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। जो गाड़ी के ORVMs हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ मिल जाते हैं। LED इंडिकेटर्स भी जो हैं इसके ऊपर अवेलेबल हो जाते हैं। जो गाड़ी का टायर सेक्शन है 215/60 R16 इंच का मिलता है, ये आप लोग को स्टाइल रिम्स के अंदर मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है, एंड जो पीछे की तरफ है गाड़ी में ड्रम ब्रेक अवेलेबल होता है। जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर्ड ही इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। सनरूफ आप लोग को S प्लस वेरियंट में नहीं मिलती है, जो SX आएगा उसके अंदर सनरूफ आएगी, और SX ऑप्शनल आएगा उसके अंदर सनरूफ मिल जाएगी। शार्क फिन का एंटीना मिल जाएगा, मेटल फिनिश में इसकी रूफ रेल्स दी गई है। सिर्फ इतना पार्ट जो है वो इसका मेटल में है, बाकी जो पीछे वाला है वो इसके अंदर प्लास्टिक का मिलता है। गाड़ी में क्या है, कोई डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है, एंड जो गाड़ी की टेल लाइट है वो आप लोग को LED मिलती है। पूरी कनेक्टिंग टेल लाइट इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है जो कि देखने भाई काफ़ी तगड़ी सी लगती है। बट जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं। नीचे की तरफ में इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब जो रिफ्लेक्टर भी जो है इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। गाड़ी में क्या है, सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक तो ये दिया गया और एक ये दे रखा। और कैमरे की प्लेसमेंट भी जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है, ये दी गई है इसके कैमरे प्लेसमेंट, एंड नीचे थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के साथ में स्किड प्लेट्स भी अवेलेबल हो जाएगी। पार्शियल ट्रे जो है गाड़ी में नहीं मिलती है, और जो इसकी सेकंड रो की सीट है वो आप लोग को बेंच टाइप ही इसके अंदर अवेलेबल होती है। कोई बूट लैंप भी जो है गाड़ी में प्रोवाइड नहीं होता है इस वेरियंट में। एंड जो स्पेयर व्हील है गाड़ी का वो 195/65 R15 इंच का मिलता है, यानी कि 1 इंच छोटा इसके अंदर स्पेयर व्हील दिया गया है। और जो लोडिंग लिप है देख लो भाई कुछ इतना दिया गया है, ठीक है, लोडिंग लिप कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा भी नहीं दिया गया। तो गाड़ी के अंदर से जैसे बैग्स वैग्स निकालना, हैवी बैग्स होंगे तो आप इजिली इसके अंदर से निकाल और
रख सकते हैं। अभी गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं और उसमें दिखाता हूँ क्या किसी से मिल जाती है। जैसे गाड़ी की जो बैक प्रोफाइल है ना, वो देखने में आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन सी लगने वाली है भाई। बैक प्रोफाइल तो मेरे को ज़बरदस्त सी लगी है। ये वाली जो लुक दे रखी है ना पूरी, बहुत मस्त दे रखी है। लाइट जो इसकी कनेक्टिंग वाली है, डोर के अंदर सही हैवीनेस है और फिट एंड फिनिश का तो आप लोग को पता ही है हुंडई की गाड़ियों में कितनी लाजवाब से मिल जाती है। यहाँ पे दे रखे हैं इसके चारों पावर विंडो के स्विचेस, ORVM के कंट्रोल इसके अंदर दे रखे हैं, बट जो फोल्ड एंड अनफोल्ड है वो आप लोग को मैन्युअली ही इसके अंदर करने पड़ेंगे। ये देखो कुछ इस तरह के जो इसके ORVMs हैं, फोल्ड एंड अनफोल्ड होते हैं। एंड नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, बोतल कैरी करने के लिए होल्डर है और थोड़ी सी जगह दी गई है। फैब्रिक की इसके अंदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी, हाइट एडजस्टेबल सीट जो है ड्राइवर साइड में मिल जाएगी। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री कुछ इस तरह की दे रखी है। ट्रैक्शन मोड का स्विच दे रखा है इस साइड में लाइट लेवलिंग के लिए, और की का तो आप लोग को पता ही है यहाँ पे ही लगती है। अभी भाई गाड़ी के इंटीरियर्स में दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में मिल जाती है। सबसे पहले तो आप इसका स्टेयरिंग व्हील देखो, फ्लैट बॉटम इसके अंदर नहीं दिया गया है। इस साइड में मिल जाते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल एंड इस साइड में इसके MID से जुड़े हुए कंट्रोल। इसकी MID जो है आप लोगों को फुली डिजिटल मिल जाती है। ये देखो थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है, ब्लू ब्लू दे रखी है। इस साइड डिजिटल है, इस साइड डिजिटल है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर और बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो शो करता है। ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शो करता है, एकुमुलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ड्राइव इन्फॉर्मेशन है एंड योर रिफिलिंग वगैरह जो भी चीज़ दिखा रखी है, लाइक अभी आपकी एवरेज हो गई, टाइम हो गया, वो इसके अंदर दिखा देता है। IRVM जो है मैनुअल में दिया गया है। 7 इंच की इसके अंदर टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। जैसे ये वाला वेरियंट है और इससे नीचे वाले वेरियंट में जो आएगा वहाँ पर आपका आएगा वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। इससे ऊपर वाले वेरिएंट जो आएंगे वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा वायर्ड वाला एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। ये पुराने वाली टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो पुरानी वेरिएंट में आती थी, नई वाली इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे फिजिकल नॉब्स दे रखे हैं, मैनुअल गाड़ी के अंदर AC दिया गया है, सी टाइप सॉकेट है फास्ट चार्जिंग के लिए, 12 वोल्ट का सॉकेट है और USB जो आपके म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट होगा। 6-स्पीड गियर बॉक्स आएगा आपके पेट्रोल इंजन के साथ में, 2 ग्लास होल्डर दिए गए हैं। आर्मरेस्ट इसके अंदर फिक्स मिलता है, स्लाइडिंग नहीं आता है और इसके अंदर आप स्पेसिंग देख लो कुछ इतनी ही इसके अंदर स्पेसिंग दिखे, मतलब ठीक ठाक है। डैशबोर्ड और जो गाड़ी का इंटीरियर है ना, अब थोड़ा सा खुला खुला सा महसूस हो रहा है, लाइट सा कलर दे रखा है ना, इस वजह से खुला खुला सा आप लोगों को लगने वाला है। यहाँ पे जगह दी गई है कुछ सामान वगैरह प्लेस करने के लिए और यहाँ पे भी जगह है, बट ये गोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है इसके अंदर। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है वो सिर्फ टिल्ट फंक्शन के साथ ही मिलता है, टेलीस्कोपिक वो नहीं आता है। गाड़ी के अंदर आप लोग को ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, बट ऑटो वाइपर जैसी कोई भी चीज़ें इसके अंदर में नहीं मिलती है। ये देखो भाई कैमरे की क्वालिटी कुछ इस तरह की इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है और अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में आप लोग को जो है इसका रिवर्स कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी सिल्वर फिनिश सी इसके अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अब इस गाड़ी में कंफर्ट की बात की जाए, देखो विजिबिलिटी वगैरह तो गाड़ी में काफ़ी अच्छी इसके अंदर से आ जाती है। साइड विंडो से ORVM से बिल्कुल ठीक व्यू है, लेग रूम वगैरह भी आप लोगों को गाड़ी में ठीक मिल जाएगा। पर जैसे गाड़ी में आप बैठते हो ना तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती कि बहुत बड़ी बड़ी सी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, पूरी कॉम्पैक्ट का मतलब हैचबैक टाइप के आप लोग को इसके अंदर फील आने वाली है। लाइक जैसे आप नेक्सॉन बैठोगे, XUV 3W में बैठोगे, उनके अंदर थोड़ा सा यूँ लगेगा कि हाँ भाई वो गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है तो सब 4 मीटरी, बट वो आप लोग को थोड़ी बड़ी लगने वाली है। ये वाला इसमें बैठने में थोड़ी हैचबैक वाली फील तो आप लोग को आने वाली है। बाकी बोनेट वगैरह दिख जाता है, हाइट एडजस्टेबल सीट है, पूरी ऊपर नहीं कर रखी है तो इसके अंदर 4 उंगली जितना गैप बचता है। पूरी ऊपर कर लूँगा ना तो ऐसा हो जाएगा भाई मेरा सर टच, फिर भी भाई 4 उंगली जितना ही गैप बचता है। अंडर थाई स्पोर्ट और जो सीटों की चौड़ाई है वो इसके अंदर आप लोग को ओके मिल जाती है। जो कुशनिंग वगैरह भी दी गई है वो भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल ओके मिल जाती है। अभी गाड़ी के सेकंड रो के कंफर्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या मिलती है। इसको पहले अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। भाई सेकंड रो के अंदर ना मेरे को सबसे अच्छा लगा इसका रेक्लाइनिंग एंगल और अंडर थाई स्पोर्ट। ब्रेजेस कंपेयर करोगे उसके अंदर तो बेकार है, इतना अच्छा नहीं लगेगा, सबसे बेकार उसी में लगा लो, सो 4 मीटर में जैसे देखोगे तो। बट इस वेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छा दे रखा है जो गाड़ी का रेक्लाइनिंग एंगल है और अंडर थाई स्पोर्ट है। लेग रूम भी ठीक है, नी रूम भी ठीक है, यहाँ से सीटें काफ़ी स्कूप आउट कर रखी है तो उस वजह से क्या है जो लेग रूम है काफ़ी आप लोग का इंक्रीज हो जाता है। हेड रूम वगैरह भी ठीक है और जैसे इनसे ऊपर वाले वेरियंट जाओगे ना उनके अंदर क्या आप लोग को 60-40 स्प्लिट सीटें मिलेंगी एंड वो आप लोग को 2-way एडजस्टेबल मिल जाती है। बट यूँ है ये बेंच टाइप सीट है और आइसोफिक्स सीट इसके अंदर मिल जाती है, आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। 2 फिक्स हेडरेस्ट गाड़ी में आप लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पे बीच में आप लोग को एयर के वेंट दे रखे हैं, 2 C-type फास्ट चार्जिंग के लिए सॉकेट दे रखे हैं। बीच वाला जो बंदा बैठेगा भाई उसके लिए थोड़ी कुशनिंग तो एक्स्ट्रा है, बट पीछे से हाँ भाई थोड़ा सा मतलब अंडर थाई स्पॉट वगैरह इसके अंदर कम हो जाती है। और जो पैर रखने की जगह है वो भी आप लोग को पता है,
आपकी वो भी इसके अंदर कम हो जाती है। और जो फ्यूल लीड है वो आप लोग को लेफ्ट साइड में ही अवेलेबल होती है, और जो कैपेसिटी है वो आपके नीचे स्क्रीन पे आ रही होगी। इस गाड़ी के अंदर आप लोग को मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 99 bhp एंड 240 nm का टॉर्क मिल जाता है। आज के महंगाई के ज़माने में देखोगे तो जो एवरेज है 23.4 kmpl की मिल जाती है। बाकी एवरेज आप लोग को जैसे गाड़ी को आराम से चलाओगे, प्यार से चलाओगे, अच्छा एक्सेलेट करोगे, 6 speed चलाओगे, तो आप लोग को 20+ की जो ये एवरेज है गाड़ी निकाल के दे देगी ना। ये जो ये आप एवरेज मैंने आप लोग को बताई है मारुति सुजुकी की ब्रेजा में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। ऐसा कुछ नहीं, मैं उसको डिफेम कर रहा हूँ, जो ओनर है भाई उसने भी मुझे बताया कितनी एवरेज मिलती है, और आप लोग को पता है कंपनी जो उसकी 20 kmpl की कर रही है, और जो ओवर प्राइज्ड है वो भी आप लोग को पता है कि ब्रेजा कितनी जा चुकी है। इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं है, फिर भी जो गाड़ी का इंजन है अंडर पावर आप लोग को बिल्कुल नहीं लगेगा। और जो माइलेज वगैरह होता है मैंने बताई थी आप लोग को, वाइब्रेशन इंजन नॉइस हुंडई के इंजनों में से वैसे भी नहीं आती है। NVH लेवल गाड़ी के बहुत ही आप लोग को अच्छे मिलने वाले हैं। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।